स्किन केयर उद्योग में अग्रणी उद्यम स्किन बोटेनिका अपने बहुप्रतीक्षित लॉन्च और बाजार में प्रवेश की घोषणा करते हुए प्रसन्न है। नवीन त्वचा देखभाल समाधान, बेहतर अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ स्किन बोटेनिका का लक्ष्य व्यक्तियों द्वारा अपनी त्वचा की देखभाल करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। संस्थापक रूसिता शर्मा के साथ स्टूडियो को प्रसिद्ध बी टाउन गायिका शिवानी कश्यप और प्रसिद्ध बॉलीवुड हेयर और मेकअप कलाकार स्लीवी रॉजर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम की मीडिया पार्टनर क्वेंसन एसोसिएट्स की संस्थापक और सीईओ रूही गांगुली भी इस उत्सव में मौजूद थी। त्वचा की देखभाल के प्रति जुनून और उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं की गहरी समझ से प्रेरित स्किन बोटेनिका की संस्थापक रूसिता शर्मा ने सावधानी पूर्वक अत्याधुनिक त्वचा देखभाल उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला के लिए विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ सहयोग किया है। स्किन बोटेनिका के प्रत्येक उत्पाद को कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की त्वचा एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घटक सूची पर सावधानी पूर्वक शोध किया जाता है। So you don't do hair, it's only about skin. It's all about skin. Yeah, yeah. It's skin. That's nice, very nice. Come on, baby. Come on, borrow it. It's big, it's nice. Okay. Ashok, watch out. हैं इनको क्या आशीर्वाद देंगे आप ये पिकअप करें और बहुत बेहतर अपने आगे लाइफ। हम जब हम लोग को इनवाइट करते हैं हम बुजुर्ग लोग, ये तो मानने पड़ेगा, वी आर लेजेंड्स इन द लाइन। 35 इयर्स इस लाइन में, इससे पहले मैं डॉक्टर हूँ, आई वाज अ डॉक्टर इन अमेरिका, इन लंदन, एंड आई वर्क फॉर 10 इयर्स एज अ जनरल सर्जन। तो आफ्टर दैट आई केम टू इंडिया एंड आई काइंड ऑफ डिड हेयर एंड ब्यूटी एंड आई बिकेम सो कॉल्ड दी सिल्वी, जो आज हमें बुला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इज्जत की बात है। पर यूजुअली जब हमें बुलाते वहीं से शुरू होता हमारे आश्वासन पे, क्योंकि आजकल के बच्चों हैं, दे वांट टू स्प्रेड मॉडर्निटी इन यू नो एजुकेशनल ऑफ लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ, केयरिंग फॉर योरसेल्फ। वैसे तो आई मीन जॉब्स, हजारों जॉब्स हैं टू मेक समवन लुक ब्यूटिफुल, फील ब्यूटिफुल, कॉन्सेप्ट ही कुछ और है, इसमें खुशियाँ कुछ और हैं। हमें डॉक्टरी छोड़ के यहाँ आके लोग को सुंदर बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मेरी माँ ने बोला 35 साल पहले, अरे तुम तो नाई बन गया। माय मदर टोल्ड मी यू लेफ्ट अ डॉक्टर टू बिकम अ नाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई सेड नो मामा, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑन अ डिफरेंट डिग्री, आई एम अ डिजाइनर। व्हाट डिजाइनर, यू सी? तो फर्क पड़ जाती है। तो अब इनकी फैशन में आज जो है और 20 साल पहले जो था, it's a vast difference, you know. So I always wish her my best of luck. She's a child to me. I have met her for the first time, but I think hamari aashirwad bahut kaam aati hai, isliye hum kehte buzurg log bulao. It is always good to take elders and aashirwad bana rehna. Bilkul, hum bhi jab iski umar tha hum bhi kisi ko bulaye, mummy ko dedicate kiya hai aaj, to hum bhi iski mummy dadi se ho gaye, hum to dadi ho gaye. Mam, jaise ki aajkal nayi umr ki ladkiyon mein skin kharab hoti ja rahi hai, इस एज में भी आपका फेस ग्लो कर रहा है, इसका राज क्या है? जवान लौंडा, दैट्स ऑफ फेस, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम अ हैप्पीली मैरिड गर्ल, ओके, नहीं, आई जस्ट से एनीथिंग, ओके, इसकी कोई राज नहीं, ऑनेस्टली, इसकी राज है, आई एम अ हैप्पी पर्सन, वेरी सैटिस्फाइड पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी सैटिस्फाइड। और आजकल का जो सिर्फ लड़की नहीं, लड़का भी, स्किन इज स्किन, एवरीबडी इज नेवर हैप्पी, एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर एंड मोर। अरे मिसेस शर्मा में इतना बड़ा टीवी आ गया, हमारा छोटा रह गया। अरे मिसेस पंकज कपूर में इतना, ये गाड़ी आ गया है, एसयूवी आ गया, हमारा तो मारुति है भाई। तो ये सेटिस्फेक्शन आजकल कभी खत्म नहीं। हमारे जमाने जब फेट आ गया था, हम तो बहुत ही खुश था, हम तो सोचे मेरे फेट तो मर्सिडीज था,
यू गेट माई पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस इन थिंकिंग, इस सोच विचार में बहुत फर्क था. तो आज भी जब मेरे बेटा मेरे को कहते हैं, मैं संग तहसी मामा यू हैव अ होंडा, कम ऑन यू शुड बी हैविंग अ मर्क. आई सेड बेटा व्हाट्स द फर्क, आई जस्ट हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड अ होंडा इज ओके बेटा. सो यू सी द टुडेज चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली, दे आर नेवर हैप्पी because they're never satisfied. Satisfaction बहुत ही बड़ी चीज़ है. You have to learn to be happy with what you have, and God will give you more. God will provide. But if you want more and more and more, तो indigestion हो जाती, वो मारुति भी, वो मर्सिडीज भी बस जाती है. That also is less. है ना? I think satisfaction is the answer, not young boys. I was just. Ma'am, skin biology, botanical. मैडम ने खोला है आज यहाँ पर, आपने उसका उद्घाटन किया है. एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पर. कैसा लगा है आपको यहाँ पर आकर, क्या क्या चीज़ें आपने देखी बिल्कुल हटके? पहली बार है, इट्स अ बिग ऑनर यहाँ उद्घाटन करने की. ऋषि का तो बेस्ट ऑफ लक करने की, आजकल के बच्चों लोग को ब्लेस करने ही चाहिए. और दूसरी बात है, ये सब मॉडर्निटी है जो आजकल यू नो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो दिख रही है, मैं मॉडर्न चीज़ है. बेशक ऑफ कोर्स इट्स कमिंग फ्रॉम अमेरिका, इट्स एक्सपेंसिव बट गुड स्टाफ एंड क्वालिटी स्टाफ. और जो मैं देख रही हूँ, जो आई जस्ट हैड अ शॉर्ट विजिट अराउंड द कॉस्मेटिक्स एंड अराउंड ऋषिका शोर भी जो हमने देखी है, आई थिंक जो जो टुडेज पीपल दे नीड अ लॉट ऑफ स्किन केयर बिकॉज रनिंग अगेंस्ट टाइम, रनिंग अगेंस्ट स्केड्यूल, रनिंग अगेंस्ट डेडलाइंस. और हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने आप के लिए. हमारे जमाने कुछ और थे, हमें तो वी डिडंट नीड ऑल दीज थिंग्स. तो आज तक की नहीं कुछ, पर अभी भी देर मेरे को हो रही है. आप प्लीज मैम आ जाओ तो देखते हैं, इफ आई नीड इट आई विल कम. बट व्हाट आई एम सीइंग फॉर श्योर, एक चीज जो मैं दिख रही है, जो आई एम 35 इयर्स इस लाइन में है, ब्यूटी लाइन में, और एट 65 इयर्स ओल्ड टुडे आई थिंक ये जो मॉडर्निटी आ गया बाजार में, इट्स वेल वर्थ इट, इट्स वेल वर्थ इट. बिकॉज अ गुड फेशियल, अ गुड स्किन लिफ्ट मेक्स यू फील फ्रेशर, मेक्स यू वर्क बेटर, मेक्स यू मोर एनर्जेटिक. और बहुत ही अच्छी बात है फ्रेश लगने में, क्योंकि वैसे भी आज के बच्चे लोग देखने से ही थकावट लगती है, मंडे से ही थकावट लगती है, फ्राइडे तक तो मारवा लगती है. I'm sorry, but that's the truth. हम लोग को देखो, हम लोग ना मंडे हो या सैटरडे, वैसे से विदाउट फेशियल्स. नो नाइट, आई थिंक आई कम एंड सी यू. नो नाइट, नो डे, नो, कोई फर्क नहीं पड़ गया हम लोग को. इट्स द सेम थिंग, बिकॉज़ हमारे जमाने में मेहनत था, पर इतनी मेहनत जो आज के बच्चों में है. Today's kids have to work double the amount of time we worked, because the times are harder, the population is bigger, everything is vaster. So I wish her the best of luck, because the competition is greater, but I'm sure she is confident to bring stuff from America, skills. Iski skill jo America se leke aayi yahan pe, parna likhna aur aankha yahan baatna, itni mushkil kaam hai. It's not easy to convince our population out here. It's difficult today, because you know why? Kids today, unko kuch keh do, Google theek hai. Oh, let's go Google. Sahi keh raha ki galat keh. You know, maa baap kabhi nahi sunte hai. Maa baap ke question nahi lagega. No, mama, I just check Google. So you see, it's difficult.